किसान भाइयों आपने भी देखे होंगे कि किसी किसी खेत में जो गन्ना जीरो दो सौ अड़तीस है उसमें रोग नहीं आया है और आज भी आलिशान गन्ना खड़ा है और उसमें रोग नहीं आया ऐसे बहुत से खेत हैं जबकि अधिकतर खेत हमारे गन्ना जीरो दो सौ अड़तीस के रेड रोड के कारण बर्बाद हो गए और जो टॉप बोरर है उनमें भी खूब आया उससे हमारा जो जीरो अड़तीस बर्बाद हो गया और अधिकतर क्षेत्र में ये बीमारी काफ़ी फैल गई है तो अब बात आती है कि जीरो दो सौ अड़तीस हमारे किसान भाई यदि बोना चाहते हैं तो वो किस प्रकार वो है कि आने वाले 2024 में उसमें रोग ना सबसे पहला जो आपको कार्य करना है वो यही करना है कि आपको जो गन्ना अगर जीरो दो बोना है तो इसी प्रकार के खेत का बीज बोएं चाहे बीज आपके घर का हो आपके रिश्तेदार का हो या आपके किसी गांव में मिल जाए या आसपास के गांव में मिल जाए तो साफ सुथरा रोग रहित गन्ना जीरो दो का बीज आपको लेना चाहिए और उसकी बुवाई करनी चाहिए और जिन खेतों में रोग रेड रोट आया हो उसका बीज तो कदापि नहीं लेना चाहिए और बीज लेने के पश्चात जब आप उसकी कटिंग करते हैं जब उसके टुकड़े करते हैं तो उसे आप ध्यान रखें जहां हमें कहीं लाल पीला दिखाई दे तो उसे हटा दें और इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा गन्ना है उसकी जो बीज आप जब करते हैं तो सिंगल बट का टुकड़ा करें और या दो बट का टुकड़ा करें इस प्रकार चल सकता है ये नहीं तीन चार गांठों का करें क्योंकि दोस्तों जब गन्ने का जो टुकड़ा छोटा होता है जब हम उसमें सी ट्रीटमेंट करते हैं बीज शोधन करते हैं तो उसमें दवाई आर पार हो जाती है पूरा बीज शोधित हो जाता है जबकि जब गन्ने का टुकड़ा लंबा होता है तो बीज दोनों सिरों पर तो शोधित हो जाता है लेकिन अंदर तक दवाई उसमें नहीं पहुंच पाती है जो लंबे समय तक काम नहीं करती है ये करना है कि आपको भूमि का शोधन करना है और वो करना है ट्राइकोडर्मा से आप ट्राइकोडर्मा दो किलोग्राम लीजिए और उसे दस पंद्रह दिन के लिए आप गोबर के खाद में मिलाकर रख दीजिए और इस गोबर के खाद को इस प्रकार रखना है कि वो छायादार स्थान पर रहे और उसमें मिलाकर उसे रख दीजिए या किसी जो प्लास्टिक के टुकड़े से उसे ढक दीजिए और उसमें तीन दिन में चार दिन में जब आपको मौका मिले तो उसे फावड़े की सहायता से ऊपर नीचे करते रहिए और उसके बाद हल्का पानी छिड़ते रहिए और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये जो ट्राइकोडर्मा है दस पंद्रह दिन के अंदर काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है और इसका जो मात्रा है काफ़ी बढ़ जाती है जो ट्राइकोडर्मा पाँच किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से काम करता है उतनी ताकत इसमें आ जाती है कि ये दो किलोग्राम ये ट्राइकोडरमा है ये काम कर जाता है तो आप इसको जब पंद्रह दिन हो जाएं या दस दिन हो जाएं, जैसा भी आपको मौका मिले तो आप इसे गोबर के खाद में दूसरे मिलाकर जो आप खेत में बिखेरेंगे तो आप अंतिम जुताई पर उसे बिखेर भूमि में मिला दें इस प्रकार आपका भूमि का शोधन हो जाएगा और ये जो लंबे समय तक काम करता है और दोस्तों जो हमारी जमीन में विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्स पड़े होते हैं फंगस के चाहे वो दूसरी फंगस हो या आपकी रेड रोट की फंगस हो किसी प्रकार की फंगस हो जो नुकसानदायक फंगस होती हैं उसे ये नष्ट कर देता है उसे खा जाता है और ये ट्राइकोडर्मा अपना परिवार बढ़ाता रहता है और ये लंबे समय तक काम करता रहता है तीसरा कार्य आपको करना है एक कीटनाशक का प्रयोग करना है और कीटनाशक के लिए आपको प्रयोग करना है जो आता है फिफ्रोलेट चालीस परसेंट और इमीडिया क्लोरोपिट चालीस परसेंट आजकल जो सीरा सागी के नाम से है और भी कई नाम से आते हैं इसे आप प्रयोग कीजिए और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप पानी में घोल जब गन्ने के टुकड़े पड़ जाएँ तो उसके ऊपर मशीन से स्प्रे कर दें इस प्रकार इसका प्रयोग करें और ऐसा प्रयोग करने से इसमें किसी प्रकार के जो कीट हैं जमीन में सब नष्ट हो जाते हैं और आगे भी लंबे समय तक कीट नहीं लगते हैं इस प्रकार आपका गन्ना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा विभिन्न प्रकार के फंगस के रोगों से चाहे रेड रोट हो पोका बोइंग हो किसी भी प्रकार की फंगस हो और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के कीट चाहे व्हाइट ग्रब हो दीमक हो या आने वाला जो अर्ली टॉप बोर्डर होता है उसके लिए भी ये काम करेगा और कंसुआ है उससे भी काम करेगा कई प्रकार के जो कीट लगते हैं हमारे गन्ने में उनसे हमारे गन्ने की रक्षा करेगा और आगे भी हम आपको लगातार वीडियो देते दे रहेंगे इसी प्रकार के कि गन्ने में कौन सी समस्या है कौन सी आने वाली है या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इससे संबंधित आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कीजिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त नमस्कार